हो गया। कोई भी प्रोडक्ट लगाया तो दो दो मिनट का गैप चाहिए, उसको टाइम देना है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट फेस पे अप्लाई करके दो मिनट उसको ड्राई होने दीजिए, ताकि वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, अपना काम अच्छे से करता है। जल्दी जल्दी करने से क्या सारा प्रोडक्ट एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, और फिर बाद में वो या तो मेकअप काला पड़ जाता है या फिर अजीब सा दिखने लग जाता है फटाफट का। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए किसी भी चीज़ को, ठीक है। हो गया, यह है लैक्मे 9 to 5 का कंसीलर। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आई मेकअप करते टाइम फाउंडेशन अप्लाई करेगी नहीं, तो आप उसको फाउंडेशन को स्किप कर सकते हैं, फाउंडेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कंसीलर भी अप्लाई करके अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है ये, इतना करने के बाद हमने सेट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे आईब्रोज ड्रॉ करेंगे। आईब्रो फिल करने के लिए ये वाला ब्रश आता है ट्रायंगल में, जो इस तरीके से रहता है। ये जो लंबा वाला पार्ट है ये हम इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे, और साइड वाला आउटर कॉर्नर पे, ऐसे करके जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो ले रही हूँ, और आईब्रो को ड्रॉ कर लूँगी। आईब्रो कैसी भी हो, जब आप उसको फील कर रहे हो तो प्रॉपर लाइन बननी चाहिए, ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है जो भी हमारे फेस में कमी है उसको पूरा करने का। तो अगर आईब्रो मान लीजिए बहुत पतली है या फिर अच्छी नहीं है, तो आप उसको अच्छा शेप दोगे, ठीक है। अब आईब्रो फील करने के बाद से आपको कंसीलर लेना है, और जस्ट आईब्रो के नीचे अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा जो आईब्रो का शेप है वो प्रॉपर दिखे, और अगर आपने आईब्रो नहीं भी बनाई है तो भी वो अच्छे से शेप आ जाए उसका, ठीक है। तो ये देखिए कंसीलर लगाने की वजह से हमारा बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है ना। अब इसको मिक्स कर देंगे, अगेन कॉम्पैक्ट पाउडर से एक बार सेट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे मेकअप स्टार्ट करेंगे। मेकअप स्टार्ट करने के लिए आप हाइलाइटर को बाद में भी चूज कर सकते हो और पहले भी चूज कर सकते हो। तो मैं इस वाले मेकअप में पहले अप्लाई कर रही हूँ, ओके। हाइलाइटर कहाँ अप्लाई करनी है आपको, यहाँ पे अप्लाई करनी है, जस्ट अपने आईब्रो के जो आईब्रो का उठाव होता है उसके नीचे, ठीक है। और धीरे धीरे करके इनर कॉर्नर पर लाएंगे। इनर कॉर्नर पर लाइट सा लगाना है, और लेकिन जो आईब्रो का उठाव है वहाँ पे ज़्यादा लगाना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना कलर चूज करेंगे। तो अगर हमको स्मोकी टाइप का आई मेकअप करना है तो हम क्या करेंगे, लाइट ब्राउन कलर का शेड उठाएंगे और अपनी क्रीच एरिया पे अप्लाई करेंगे इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए आईब्रो और क्रीच एरिया के बीच में, और ऐसे राउंड में ब्राउन कलर का शेड अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंगे ब्लैक कलर। ब्लैक कलर को भी ऐसे अप्लाई करेंगे। ऐसे अप्लाई करना है कि आपने जो ब्राउन कलर का शेड लगाया है वो दिखना चाहिए, ठीक है। कई आई स्मोकी आई मेकअप में क्या होता है कि हमारा पूरा आई मेकअप का जो बेस होता है वो पूरा ब्लैक होता है, ठीक है। और कई में हमको क्या होता है बीच में गोल्डन कलर डालना होता है, तो मैं यहाँ पे गोल्डन कलर डाल के दिखाऊंगी, ओके। थोड़ा सा कंसीलर लेंगे यहाँ से, इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो आपकी क्रीच, जब भी आप कट क्रीच बनाते हो
तो आपको जो अपना लाइन बना रहे हो उसको थोड़ा सा कंसीलर से डार्क कर लेना है। जो हमारी आई लीड होती है, आई बॉल, उस पर ये एग्जैक्ट किया जाता है ये वाला मेकअप। ओके, अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही रख सकते हो पूरा राउंड में, तो मैं यहाँ पे राउंड में ही रख रही हूँ, और चाहो तो ब्लैक कलर को ऐसे दोनों साइड से ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे राउंड में रख रहे हैं, ब्लेंड नहीं करेंगे। ठीक है, कॉम्पैक्ट पाउडर लेंगे। कभी भी आप कट क्रीज बनाते हो तो उसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करना ना भूलें। और मेन गलती क्या होती है, हम लोग जब भी कट क्रीज बनाते हैं, अगर ब्लेंड करना है तो आप साइड से ब्लेंड भी कर सकते हैं इसको, इधर से थोड़ा सा इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद से हम लोग मेन गलती क्या करते हैं, जब हम लोग कलर अप्लाई करते हैं उसमें साफ करेंगे, कलर अप्लाई करेंगे तो कलर, कभी भी हम लोग जो कट क्रीज बनाते हैं उस पर एक तो लाइट कलर अप्लाई करना चाहिए, और कट क्रीज को पूरा नहीं ढकना होता है। ओके, जैसे ये हमारा कट क्रीज है तो थोड़ा थोड़ा कंसीलर जो हमने लगाया है उसके जस्ट नीचे नीचे से हमको अपना कलर अप्लाई करना होता है, जिससे कि हमारा जो कट क्रीज है उसका दिखाई दे, वो पूरा ढक ना जाए। ओके, इस तरीके से। अब आपको लगे कि अगर आपने कट क्रीज जो बनाई थी वो दिखाई नहीं दे रहा, तो इस केस में आप क्या करोगे, थोड़ा सा कंसीलर इस तरीके से ब्रश में लेंगे, और जो हमने लाइन बनाई थी उसके ऊपर से एक बार और इसको अप्लाई कर देंगे। 0 थ्रेड का ब्रश यूज कीजिएगा और फिर से ये कलर लेके जस्ट इसके नीचे नीचे अप्लाई कर देंगे। तो ये भी आई मेकअप काफ़ी प्यारा लगता है, उसके ऊपर आप ग्लिटर अप्लाई कर दो या फिर स्ट्रीमर और लाइनर लगा के इसको फिनिशिंग लुक देंगे। जब भी हम लोग आईलाइनर लगाते हैं तो एक तो हमारी जो विंग्स होती है उसको जितना पतला आप कर सकते हो उतना करिए, और जो इनर कॉर्नर का हिस्सा होता है इसको भी पूरा इनर कॉर्नर तक अप्लाई करना होता है, इससे जो आपकी आईलाइनर होती है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगती है। तो कुछ इस तरीके से आपको आईलाइनर लगाना होता है। ओके, अब हम लोग आई लेसर लगा देंगे एंड ग्लिटर, और हमारा आई मेकअप जो है वो डन हो जाएगा। तो आई लेसर जहाँ पे हाथ पे मैंने बनाया है, तो मैं इस तरीके से आई लेसर को भी ड्रॉ कर ले रही हूँ। इनर कॉर्नर पे आई लेसर छोटी होती है हमारी, यहाँ पे छोटे से लॉन्ग करेंगे धीरे धीरे, और आउटर कॉर्नर पे लॉन्ग होती है। स्मोकी आई मेकअप में थोड़ा सा लाइनर आप चौड़ा भी कर सकते हो, वो भी काफ़ी प्यारा लगेगा। तो ये है पूरा मेकअप का लुक एंड ग्लिटर अप्लाई करते हैं। ग्लिटर नहीं अप्लाई, हाइलाइटर का जो शेड है अलग अलग कलर का होता है, तो यहाँ पे मैं ये वाला शेड पिक करूँगी और जस्ट इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई करके थोड़ा सा लाइट कलर का शेड ले लेंगे, और ये हमारा आई मेकअप डन हो गया। जहाँ पे भी ग्लिटर लगी हो आईलाइनर पे, हम लोग क्या करते हैं अक्सर छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं, उससे हमारा जो लुक होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो आपको अगेन आईलाइनर को कंप्लीट कर लेना है,
कैसा लग रहा है मेकअप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये आप अपनी आईज़ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी प्यारा लगेगा और काफ़ी इजी तरीके से आप अपना स्मोकी आई मेकअप, अगर ब्लैक पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ब्लैक वाला भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी।